कांग्रेस में खूब सुर्खियां बटोरने के बाद हार्दिक पटेल और कांग्रेस एक दूसरे से जुदा हो गए। हार्दिक ने अपना नया ठिकाना भी तलाश लिया, पर अभी तो बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी किसी नए हार्दिक को अब जरूर तलाशेगी। अब यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय गुजरात में हार्दिक का बोलबाला है, फिर चाहे खेल वाले हार्दिक पांड्या हो या राजनीति वाले हार्दिक पटेल। जिस हार्दिक ने बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी, पार्टी को उसी के गढ़ में मात देने की बात कही थी, आज वो उसी का दामन थामने जा रहे हैं। आज इसी पर होगी चर्चा। अंत तक बने रहिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज भाजपा में शामिल होंगे। अहमदाबाद के भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल हार्दिक पटेल को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में 15,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही उनके कार्यक्रम के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कार्यालय के चारों तरफ और भी ज्यादा पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी की सभी टीमों को यह निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कमेंट ना करें जिससे विवाद की स्थिति बने। भाजपा ज्वाइन करने से पहले हार्दिक ने एक ट्वीट किया और लिखा कि राष्ट्र हित, प्रदेश हित और जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। अब आपने हमेशा ही हार्दिक पटेल के नाम के आगे पाटीदार जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि उन्हें पाटीदार क्यों कहा जाता है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, दरअसल हार्दिक पटेल 2014 में सरदार पटेल ग्रुप से जुड़े और आगे चलकर पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। एक तरह से कहें तो यह समय उनके पॉलिटिक करियर की शुरुआत थी। उन्होंने सितंबर 2015 में पटेल नव निर्माण सेना का गठन किया। मकसद कुर्मी, पाटीदार और गुजर समुदाय को ओबीसी में शामिल कराना और उन्हें सरकारी नौकरियां दिलाना था। इसी आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल पहली बार सुर्खियों में आए और उनका नाम तभी से पाटीदार भी पड़ गया। अब इससे इतर आज पार्टी ज्वाइन करने से पहले हार्दिक ने अपने आवास पर दुर्गा पाठ किया। दुर्गा पूजा के बाद हार्दिक स्वामी नारायण जाएंगे और गो पूजा करेंगे। आपका क्या कहना है हार्दिक के इस नए सफर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।